नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उमरिया, बड़ी खबर उमरिया से, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक युवा बाघिन की मौत हो गई है। घटना मानपुर रेंज के पटेरा बीट की बताई जा रही है, जहां 3 से 4 वर्ष की उम्र की युवा बाघिन का शव बरामद हुआ है। पार्क प्रबंधन की माने तो बीती रात बाघों के बीच आपसी संघर्ष की सूचना पर किसी अनहोनी की आशंका को लेकर सर्चिंग कराई गई, जो सच साबित हुई और एक युवा बाघिन का शव बरामद हुआ। पार्क प्रबंधन ने मृत बाघिन के शरीर में दूसरे बाघ के हमले के जख्म और मौके पर दूसरे बाघ के मौजूदगी के निशान मिलने का दावा किया है, जिसके आधार पर प्रबंधन ने बाघों के बीच आपसी संघर्ष में बाघिन की मौत की आशंका जाहिर की है। हालांकि एहतियातन डॉग स्क्वाड के जरिए आसपास के क्षेत्र की सर्चिंग कराकर मौत की दूसरी वजह की संभावना की जाँच भी कराई गई है। बाद में प्रबंधन ने NTCA की गाइडलाइन के मुताबिक बाघिन का पोस्टमार्टम कराया है, जिसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। पार्क प्रबंधन के मुताबिक बाघिन की मौत बाघों के आपसी संघर्ष का नतीजा हो सकता है। अलग बात है कि मौत की असल वजह PM रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी। बहरहाल पार्क प्रबंधन संघर्ष में शामिल दूसरे बाघ की सर्चिंग करा रहा है, जिसके जख्मी होने की भी संभावना है। आज सुबह मानपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत पटेरा बीट के एक कक्ष क्रमांक 641 में मादा बाघ की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर डॉग स्क्वाड और बाकी के दल पहुंचे और उन्होंने वहां पर तलाशी ली, जिसमें एक कैटल किल भी मादा बाघ के शव के पास ही पाया गया और कुछ संघर्ष के निशान भी मिले। इसी के बीच में विशेषज्ञों द्वारा टाइगर का सब परीक्षण किया गया NTCA की प्रतिनिधि की उपस्थिति में और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, और प्राथमिक तौर पर यह आपसी संघर्ष पर मृत्यु होना पाएगी। मरिया से खबर समय जगत के लिए राजन M की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।